अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो भाई रात को हम लोग जब होटल आए थे तो रात को भाई मोबाइल जो सा था मेरा, इसकी बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, जिसकी वजह से भाई रात को, कल हम लोगों ने भाई उमड़ा कर लिया था कल रात को, तो मैंने भाई उसका फिर ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। तो मैंने, क्योंकि भाई मोबाइल बिल्कुल ही बंद था, तो भाई मोबाइल छोड़ के आपके भाई ने उमड़ा ज़रूरी था, तो वो मैंने कर लिया था। तो अब सुबह हो गई है, अभी हम सो गए, उठे हैं सुबह, फजर की नमाज़ पढ़ के आ गए, उमड़ा करके सो गए थे। तो अब मैं आप लोगों को भाई बाहर से व्यू दिखाता हूँ, आज आ जाओ ज़रा देखते हैं। चेक करो यार तुम लोग व्यू, नया होटल नया व्यू देखो यार। आपका भाई होटल लेता, मुझे पहले मिल रहा था होटल पहले फ्लोर पे, लेकिन मैं ही पहले फ्लोर पे ही मज़ा नहीं आना था। वो सुरंग है वो सामने आ रही है आपको नज़र, या मुझे नहीं नज़र आ रहा, धूप बहुत तेज है, गर्मी इतनी है ना सोदिया, इतनी है ना गर्मी यार। वो सामने माशाल्लाह वो सुरंग है, वो देखो वो जैसे गाड़ियाँ बाहर आ रही, इस तरफ से भी देखो जी, यहाँ से नीचे देखते हुए मुझे डर लग रहा है यार, सीरियसली मजाक से लावा, यहाँ से नीचे देखते हुए मुझे डर लग रहा है। देखो जी माशाल्लाह वो सामने पहाड़, तो भाइयों कैसा फिर व्यू बताओ यार। तो अभी हम जा रहे हैं हरम की जानिब, तो हम भी चलते हैं नीचे ही, तो चलते हैं हरम, आ जाओ मेरे साथ लोग इस व्यू के साथ ही। अब मैं आप लोगों को भाई दिखाऊंगा रोज, तो चलते हैं हरम, आ जाओ भाई। तो भाई अभी हम जा रहे हैं ये ज़ियारतों के ऊपर, तो जाना था हरम लेकिन प्लान बदल गया, सोचा कि मक्का की जितनी भी ज़ियारतें हैं वो सारी आज कर ली जाए, तो चलते हैं हम ज़ियारतों पे, आप लोगों ने साथ लेना है, चलते हैं। क्या हो गया? तो भाई अभी हम इस टाइम पहुंच गए हैं गाड़े सोर, तो यहाँ से हम नीचे से बनाएंगे, ऊपर पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, वो इसलिए कि आपके भाई का पाँव जो था वो ज़ख्मी हुआ हुआ है, ये देखो ये पाँव भाई मेरा जो था वो ख़राब हुआ हुआ है, इसके वजह से हम ऊपर नहीं जाएंगे। ये गाड़े सोर है देखे माशाल्लाह, ये गाड़े सोर की पहाड़ी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यार हम ऊपर जाते हैं, लेकिन उमड़ा करके मेरे पाँव जो सा था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, उसके ना वो जूती वगैरह बजी, और इसलिए मेरे से ऊपर जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा, जिसको कह लें ना कि मुश्किल है, ऊपर नहीं मेरे से जाया जाना। यहाँ से आप लोगों को विज़िट करवा देते हैं, थोड़ा सा बस ऊपर जाके यहाँ से आप लोगों को दिखा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर सिर्फ आ गए हैं, बहुत मुश्किल है, पाँव दुखना शुरू हो गया दोबारा यार। तो ये इसकी हिस्ट्री है सुभान गाड़े सोर, आए हाय यार पाँव लेके मुझे बैठ गया मेरा, आई तड़स बहुत काट ला यार। देखें जी गाड़े सोर, ये सब लोग ऊपर जा रहे हैं गाड़े सोर पे, ये इसकी हिस्ट्री। थोड़ा सा ऊपर आए वो पाँव मेरा दुखना शुरू हो गया, नहीं जाया जाना यार, वो मेरे जूती बचती रही है जिसकी वजह से चोट बहुत ज़्यादा लगी है, इसलिए ऊपर नहीं जाया जाना। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं यार, तो चलते हैं गाड़ी की तरफ वापस, आ जाओ भाई। थोड़ा सा यार मैं ऊपर आ गया, मैंने कहा चले जा ट्राई मार दे, लेकिन ऊपर नहीं जाया जा रहा यार। आपके भाई को वो उमड़ा किया, वो जूती वगैरह बचती रही है, तो वो जिसकी वजह से वो रेशा पड़ गया पाँव में, और चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। हम चढ़ते हैं यहाँ गाड़ी में, दो तीन दोस्त मेरे साथ दोस्त थे वो गए हैं ऊपर, वो आ जाएंगे खुद ही, हम गाड़ी में करते हैं वेट। अब उन्होंने भी आधे रास्ते से ना मुड़ आना है, देख लेना बहुत लंबा वो ऊपर है, मैं आप लोगों को नीचे दिखाता हूँ। वो पहाड़ी है, मैं आप लोगों को पहाड़ी दिखाता हूँ, जो भी पहाड़ी है ना गाड़े खोल, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहाड़ी, वो ऊपर है स्टोर वगैरह, पहाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे गाड़े सोर की पहाड़ी है ना वो वाली है, वो वाली
ये वाली है, ये गाड़े सोर की पहाड़ी है। जब आप लोग आओगे तो खुद ही ऊपर जाके देख लेना। अभी हम चलते हैं यहाँ गाड़ी की जानिब, क्योंकि नहीं हो रहा है आराम से सफ़र। हो कहीं पाँव होता ना ठीक तो फिर जाते हैं हम ऊपर, लेकिन पाँव वो जूती बच के वो बहुत ज़्यादा दर्द कर ले। अब हम चलते हैं ज्यारत नंबर दो पे, दूसरी ज्यारत पे। ये पिक्चर ये वाली है माशाल्लाह। कितने का? पाँच पूरा मक्का नश्का पूरा। हाँ अच्छा अच्छा चलो भाई हम चलते हैं गाड़ी की जानिब। वो सामने वो गारे फोर की पहाड़ी है, वो वाली जो सी है माशाल्लाह। तो भाई गारे फोर को करते हैं अल्लाह हाफिज़। आपके भाई का पाँव होता ना ठीक, अब ये ऊपर वो जाया नहीं जा रहा, जो से मेरे साथ थे वो भी नहीं गए ऊपर, वो भी आधे रास्ते से मुड़ रहे हैं। तो ये है गारे फोर माशाल्लाह, इसको करते हैं अल्लाह हाफिज़। गाड़ी ठोक दी। तो भाई गारे सोर को हम लोग करते हैं अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हमारा यहाँ पे आना कबूल फरमाए। ऊपर तो नहीं जा सके हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ अल्लाह ताला दुआओं को हमारी को कबूल फरमाइए। देखें माशाल्लाह कबूतर बैठे हैं। तो चलते हैं अब हम दूसरी ज्यारत पे। दूसरी पर कौन सी आप कहाँ जाएंगे? मदान अल्फात चलते हैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं मदान अल्फात सोतिया। मैंने आप लोगों को हर ब्लॉक के अंदर दो ज्यारतें करवाऊंगा, हर ब्लॉक के अंदर, आज वाले हर ब्लॉक के अंदर जाना था हमने हरम, लेकिन आज प्लान हमारा बदल गया। चलते हैं मदान अल्फात। तो भाई ये यहाँ से ये मदान अल्फात शुरू हो गया, जहाँ पे हज भी पढ़ा जाता है और क़यामत वाले दिन सारी दुनिया यहाँ पे जमा होगी। ये मदान अल्फात ये देखें माशाल्लाह। चढ़ते आगे और आपको उतर के भी दिखाता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे हज होना चाहता है, ये है वो जगह जहाँ पे हज होता है। सुभान अल्लाह। अब इस टाइम ये सारा बंद है, सिर्फ हज के दिनों के अंदर ये खोला जाता है। तो यहाँ पे हज ही आके हज करते हैं। अल्लाह हमें भी मौका देगा तो इंशाल्लाह हम भी हाथ यहाँ पे आके पढ़ेंगे बहुत जल्दी, ये मैं आपको बताता हूँ बहुत जल्दी इंशाल्लाह माशाल्लाह। ये मदान अल्फात है सुभान अल्लाह। ये देखिए जी, अच्छा ये जो से लगाए हैं ये क्या चीज़ है? ये जो से है इधर नीचे इनके बैठ के हाथ बस होता है, इधर भी ऊपर मतलब शीट वगैरह डाल देते हैं, सी वगैरह लगा होता है। सही ये सारा भाई ये मदान अल्फात है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। शेड वगैरह भी बना दिए हैं, सड़कें वगैरह भी पक्की करवा दी हैं सुभान अल्लाह। काफी बड़ा है ये। मदाने अल्फात यहाँ पे हम उतरेंगे तो यहाँ से आप लोग कहाँ पे वो वाला तो जरा वहाँ से हुआ है हम एक सेकंड। चलो भाई सामने वो उस जबरे रहमत है इंशाल्लाह, दुआ करके आते हैं वहाँ पे। तो भाई वो सामने हमारे जबरे रहमत, तो उसकी तरफ जा रहे हैं, करीब पहुँच के आप लोगों से मिलता हूँ, वरना यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे करीब पहुँच के मैं आपसे मिलता हूँ। इतना ज़्यादा दुख रहा है ना इस टाइम, इन्होंने यहाँ से टोपी उतरवा दी है, ये कहते कि टोपी यहाँ पे उतार दो तो मजाक
मुझे हंसी आ रही है यार ये कैमरे की तरफ देख के। तो मेरा पाँव यार इस टाइम इतना ज़्यादा दुख रहा है ना, लेकिन मैंने कहा यार जबड़े रहमत को हम लोगों ने लाजमन हाथ लगा के आना है, लाजमन यहाँ पे हज पढ़ा जाता है यहाँ पे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सारे हाजी यहाँ पे आते हैं हज पढ़ने, और जो उमरे के लिए आते हैं उनका भी यहाँ पे आना बहुत लाजमन होता है, बहुत ज़्यादा लाजमन होता है। चलते हैं ऊपर यार, कैमरे की तरफ देख मुझे हंसी आ रही है, चलते हैं ऊपर यार। वहाँ चढ़ के हालांकि पाँव भी नहीं ठीक, फिर भी तो ये बस पहुँचने वाले हैं पास, पहुँच के मिलता हूँ आप लोग से। तो भाई ये फैमिली हम लोग पहुँच ही गया खकार ऊपर, बड़ी मुश्किलों से बड़ी मुश्किल के साथ जबरेड अहमद माशाल्लाह भी खराब है, लेकिन फिर भी हम आ गए। देखो यार यहाँ से नज़ारा माशाल्लाह, यहाँ पे हज होते हुए साह चढ़ गए यार। जबरेड अहमद इसके साथ आप पास लेके जाता हूँ, यहाँ पे लोगों ने नाम लिखे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं। ये है जबरेड अहमद सुभान अल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे इस तरफ से देखे जबरेड अहमद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम यहाँ पे दो नफर नमाज अदा करेंगे और साथ फिर दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह, जो उनकी दुआ यहाँ पे मांगते हैं कबूल होती है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो दो नफर अदा कर लें साथ दुआ मांगने, फिर आप लोग सुनता हूँ सुभान अल्लाह। तो भाई नमाज वगैरह दुआ वगैरह कर ली थी, तो अब यहाँ से जबरेड अहमद से जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि आगे भी और ज़्यादातों पे जाना है और टाइम बहुत थोड़ा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, और चलते हैं अब यहाँ से इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे। ये वो मैदान है जहाँ पे क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने सबको जमा कर लेना है, ये वो मैदान है और हर साल हज यहाँ पे पढ़ा जाता है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जबरेड अहमद सुभान अल्लाह, जबरेड अहमद की पहाड़ी से नीचे जाते हैं पाँव के खराब के साथ, एक तरह मेरा पाँव दुख रहा है, कुछ नहीं हो सकता यार, खैर दुखने दो जितना दुखते। ये चप्पल वो दूसरी बारी थी एक मेरे पास वो बस्ती रही है इसके ऊपर, जिसकी वजह से जख्म वगैरह हो गया माशाल्लाह। ये जबरेड अहमद ओके जी, जख्म वगैरह हो गया उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होना शुरू हो गया माशाल्लाह। चलो अब आपको नीचे जाके मिलते हैं। तो फैले हम लोग भाई जबरेड अहमद से नीचे आ गए थे, तो अब जा रहे हैं गाड़ी की जानेब, तो अब हम दूसरी और ज़्यारत पे जा रहे हैं। तो अगला व्लॉग शुरू करेंगे अगली ज़्यारत से, तो हो तो ये पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब व्लॉग को कर दो, लाइक मंडा शेयर, दो दो ज़्यारतें दिखाऊँगा हर व्लॉग में दो दो। चलते हैं अगली ज़्यारत पे, तो आप लोग इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करो और अगले व्लॉग का वेट करो, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।